वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के उनके स्वागत से विदाई तक के कार्यक्रम की युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। अमरूदों के बाग में पीएम नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर सभी जरूरी सुविधाएं उनके जुटाने और मंच बनाने सहित पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए सरकारी मशीनरी पूरी तरीके से मुस्तैदी से जुटी हुई है। ऐसे में पीएम की सभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद पहुंची हैं सभा स्थल पर, जिन्होंने तैयारियों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आपको ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री के आने और जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग भी तैयार किए गए हैं, कोई एक मार्ग नहीं है, दो तीन मार्ग तैयार किए गए हैं। और ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:50 लगभग दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 12:40 तक जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, जहां उनका स्वागत सत्कार होगा। इसके बाद 1:05 यानी कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहां से 1:10 पर रवाना होकर के 1:15 अमरूदों का बाग पहुंच करके लाभार्थियों को संबोधित करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सभा स्थल का दौरा कर रही हैं, दौरे पर पहुंची हैं। यहाँ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तमाम जो मंत्री हैं उनसे जानकारी ले रही है, अधिकारी हैं उनसे फीडबैक ले रही हैं किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी। जो मंच बनाया है पीएम मोदी के लिए, जो मंच बनाया है 10 फीट की ऊंचाई पर, ये मंच बनाया है जिसको मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जानकारी ले रही है मंच पर चढ़कर। वहाँ की तमाम जो व्यवस्थाएं यहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं रहेगी, जो पूरा एक गैप है, जो लोग दूर दूर तक यहाँ मंच के नीचे बैठेंगे वो किस तरह से उनकी प्रधानमंत्री मोदी को देख पाएंगे, क्या व्यवस्था रहेगी, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं। सभा स्थल को आप देख सकते हैं, ये नज़ारा जहां हजारों लोग सभा स्थल पर तैयारियों में जुटे हुए हैं और यहां किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो, इसलिए पूरे मंत्री और अधिकारी व्यवस्था को लेकर सजग हैं और पूरी तरह से मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 1:15 यहाँ सभा स्थल पर पहुँचेंगे और ये देश का ऐसा पहला कार्यक्रम होगा जहाँ प्रधानमंत्री लाभार्थियों से सीधे रूबरू होंगे। ऐसा एक पहला, देश में पहली बार एक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहाँ प्रधानमंत्री सीधे तौर पर लाभार्थियों से रूबरू हो पाएंगे। कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ दिनेश सिंह, A1 न्यूज़।